जो कुछ भी हम करते हैं वो सिर्फ अभ्यास है, जो बार बार दोहराया है, बोलना, देखना, सुनना, खाना पीना, जो दोहराया है उसका अभ्यास हो गया है। विचार नहीं किया ये अभ्यास गलत है कि सही है, अभ्यास स्वाभ्यास हमारा अभ्यास है, हम करते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम चलते हैं, हम देते हैं, लेते हैं, भला बुरा दोनों अभ्यास है। बुराई का भी अभ्यास है, आसानी से ना छूटेगा, भलाई का अभ्यास है वो भी ना छूटेगा। जिसको देने की आदत है उसको लेना बड़ा कठिन है, लेने की आदत देना बड़ा कठिन है। इसलिए अभ्यास, भगवान जब इस बात का अध्ययन करते हैं जीव की दशा का, तो बड़ा सुंदर संदेश दिया है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये बड़ी सुंदर प्रेरणा है। अभ्यास तो हो ही गया है, असत जितना अभ्यास है सब असत्य संबंधित है, सत्य से संबंधित, आनंद से संबंधित अभ्यास नहीं है। तो भगवान युक्ति बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन। संयोग का अभ्यास तो है ही है, बचपन से जो मिलता है उसका नाम संयोग है। योग का अभ्यास करो, जो मिलता है उसको संयोग कहते हैं, और मिलने के पहले और छूटने के बाद जो बना रहता है उसको योग कहते हैं। योग शब्द का ये अर्थ है, मिलने के पहले जो था और छूटने के बाद भी जो रहेगा उसका नाम योग है। योग है सत्य से, सत्य है अखंड, उस योग में खंडित नहीं, योग खंडित नहीं होता। विनाशी के संयोग में बाधा पड़ती है, अविनाशी के योग में कोई बाधा नहीं है, अगर ज्ञान में देखना आ जाए तो अभ्यास योग युक्त है। भगवान, परम गुरु भगवान बताते हैं योग का अभ्यास करो, वो तो निरंतर है ही। संयोग का अभ्यास छोड़ने के लिए निरंतर जो है उससे, उसके होने की याद करो, ये अभ्यास हो जाए। लेकिन शर्त एक रख दी, चेतसा नान्यगामिना, अन्य की ओर चित्त को न जाने दो। जो अन्य है उसका अभ्यास झूठा अभ्यास होगा, जो निरंतर है उसका अभ्यास योगाभ्यास होगा। अन्य की ओर चित्त न जाने दो, तब क्या होगा? जब अन्य की ओर, दूसरे की ओर, अपने से भिन्न में चित्त न जाएगा तो योग का अनुभव होगा। योग है परमात्मा से, उस योग के अनुभव में परमानंद कहो या परम पुरुष कहो या परमात्मा कहो, उसकी अनुभूति होगी। ये इसका फल है योगाभ्यास का। तो योग का अभ्यास नहीं है, संयोग का अभ्यास है। संयोग का अभ्यास से हम भोगी बने हैं, योग के अभ्यास से हम योगा अनुभव करेंगे, इतना फर्क है। ये अपने संकल्प पर है, संकल्प किया तो आज आप यहाँ आ गए, अभी संकल्प करोगे तो घर जाओगे। बाल्यकाल से बुढ़ापे तक हम संकल्प के ही के द्वारा यात्रा किया करते हैं। बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आता कौन हमें चला रहा है। संकल्प की उत्पत्ति होती है संघ से, और संघ जो है, जितना भी संघ है, जो संघ से संकल्प की उत्पत्ति होती है, उस संघ है संसार का, विनाशी का, परिवर्तनशील का। एक संघ ऐसा है जो होता नहीं है ही, उसको योग कहते हैं। संयोग और योग, अपने से भिन्न से जो मिलन होता है वो संयोग है, जो अपने से कभी भिन्न होता ही नहीं उसका है योग। उस योग का अनुभव करना योगाभ्यास कहलाता है। हम योगाभ्यास का मतलब है आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये समाधि इत्यादि, ये तो अभ्यास हमारे अहंकार की कृतियां हैं। योग का अभ्यास जो है निरंतर योग है, उसकी स्मृति का बार बार स्मरण करना अभ्यास कहा जाएगा योगाभ्यास। संयोगाभ्यास तो रहता है बचपन से, जहां मेरा कहा था संयोगाभ्यास, अब मेरा कुछ नहीं याद आता, अब योगाभ्यास चल रहा है। जब मेरा कुछ नहीं याद आता तो जो बचा है वो सत्य है, वो सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, उसकी याद आना ये योगाभ्यास है। योगाभ्यास का अर्थ बहुत कम सुनने में आता है, आप भी आज सुन रहे हो, संयोगाभ्यास तो बहुत सुन चुके हो, योगाभ्यास भी बहुत चुके हो, आसन प्राणायाम, इसको आप लोग योगाभ्यास मानते हो। परमात्मा के निरंतर मिलन की अनुभूति की याद आना योगाभ्यास है, या सत्य कहो या परमात्मा कहो, उसकी स्मृति बनी रहे, ये योगाभ्यास है। स्मृति रहती है संयोग की, योग की नहीं रहती, जो मिला है उसी की स्मृति रहती है, छूटा है उसी की स्मृति रहती है, संयोग वियोग की स्मृति रहती है, योग की स्मृति रहती ही नहीं। योग का स्मरण करने वाला योगाभ्यासी कहा जाएगा। योग का स्मरण करने के लिए जो विनाशी है उसको देखना, उसके संयोग को देखना, उससे संयोग से मिलने वाले, प्रतीत होने वाले सुख दुख को देखना, और देख करके विरक्त हो जाना। विरक्त होने पर योग का अभ्यास शुरू होता है, और थोड़े दिन में वो योगाभ्यास हो जाता है। योगाभ्यास का मतलब है जो निरंतर है वो अपने से भिन्न नहीं मालूम होता, निरंतर अपने ही साथ है, हम उसके साथ हैं, हम उसमें ही हैं, उसके ही हैं, ये योगाभ्यास का परिणाम है।
ऐसा ऐसी परमानंद को प्राप्त होता है, संयोगाभ्यास ही सुख को प्राप्त होता है। सुख उसे कहते हैं जो मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है वो सुख है। अब आनंद उसे कहते हैं ना आता है ना जाता है, ज्यों का त्यों रहता है। उसका संबंध शांति से है, सत्य से है, और सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, सदा रहेगा। उसको जो जान लेता है और जान लेने के बाद उसकी स्मृति जो रखता है, इसीलिए भगवान गीता में कही उमांग स्मृति नित्यशः, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है तस्याम सुलभा पार्थ, उसको मैं सत्य रूप में सुलभ हूँ। नित्य युक्तस्य योगिना, वो निरंतर योगी है, युक्त है, मिला हुआ है, वियुक्त नहीं होता। ऐसा योग का अभ्यास जो करे, योग का अभ्यास का अर्थ आपने सुना, जो हमसे कभी अलग हुआ नहीं, अलग कर सकता नहीं, करेगा नहीं, उसके उसकी स्मृति बनी रहे, यो मांग स्मृति नित्यशः, वो भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं जो नित्यशः मेरा स्मरण करता है तस्याम सुलभो, मैं निरंतर सुलभ हूँ, कहीं जाना ना पड़ेगा, कुछ करना ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुलभ हूँ। सुलभ है योग, निरंतर सुलभ है परमात्मा, निरंतर सुलभ है आत्मा, और जो सुलभ नहीं है फिर वो कभी दुर्लभ है, और दुर्लभ जो होता है वो मिलता है, उसको हम संयोग कहते हैं, उसके हम प्राप्ति मानते हैं, यही भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति विवेक से होती है, इस विवेक की जागृति संत संग से होती है। कब? जब श्रद्धा सात्विक होती है, तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा, वो है जहां ज्ञान की ही प्यास होती है, बाकी श्रद्धा नीचे कोटि की है। केवल हमें ज्ञान के प्रकाश में हम देखने लग जाएं, ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमें सुलभ हो जाए, ये सतोगुणी श्रद्धा में ही संभव है। वो आप लोगों को हो सकता है, लेकिन आप लोग तो, हम लोग तो बीच में अटक गए हैं। हम लोग उसको मानते हैं जो मिला है, या नहीं मिला है उसको पाना चाहते हैं। जहां कुछ पाने की चाह है और जहां कुछ छूटने का भय है, ये असत्संग है। थोड़ा ये शब्द याद रखना, पाने की चाह और छूटने का भय, ये भय और लालच दोनों शब्द असत्संगी सिद्ध करते हैं। हमें कुछ पाने का लालच है, झूठ के पाने का लालच है। छूटने का डर है तो झूठ है, उसी के छूटने का डर है। इतना छोटा सा वाक्य अभ्यास में आना आसान नहीं है। हम लोगों का तो असत का अभ्यास पड़ गया है, मिले और जो मिला है छूटे नहीं, ये खूब हमारे भीतर है। पहले जो नहीं मिला है मिल जाए, और जो मिल गया है ये छूटे नहीं, और मिले तो न मिले लेकिन ये कम से कम छूटे नहीं। ऐसा जिसको भय लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, वो असत का संगी है, सत्संगी नहीं है। सत्संग में निरंतर सत्संग हो सकता है, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य अखंड है, अनंत है, निरंतर प्राप्त है। झूठ मिलता है छूटता है, सत न छूटता है न मिलता है ही। उस सत में हम हैं। अब आगे जो और विचार करेंगे, सत से हम भिन्न नहीं हैं, और सत से भिन्न नहीं है तो ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि जब देखती है तो अभिन्नता का बोध होता है, इसी का नाम भक्ति है। परमात्मा से अभिन्नता का बोध भक्ति है, और संसार में अपना कुछ नहीं है इस असंगता का बोध क्या है, मुक्ति है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब निसार है, सत्य है, ऐसा बोध शांति है। शांति का मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, और मुक्ति का मतलब हमारा कुछ है ही नहीं, और भक्ति का मतलब परमात्मा हमसे अलग नहीं है। कैसे छोटे छोटे वाक्य हैं अगर समझ पाए। जो सत्य है, परमात्मा है, आनंद है, वो हमसे भिन्न नहीं है, और जो ये संसार है ये कभी न मिला है न मिलेगा, प्रतीत होता है, प्राप्त नहीं होता, लगता है मिला है, मिला है, भ्रम है ये भ्रम। यद्यपि मृषाते हूँ कालमा, एक संत का निर्णय है, रजत सीप महाभास जिमि यथा भानुकर वारी, सूर्य की किरणें जब गर्मी में दूर से देखो तो लगता है पानी बरस रहा है, पानी का बरसता हुआ दिखता है सूर्य की किरणों में, यथा भानुकर वारी यद्यपि मृषाते हूँ कालमा। तीनों काल में झूठ है, लेकिन इस भ्रम को कोई टार नहीं सकता। फिर भ्रम कैसे टरता है? भ्रम न सके को उटार, होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब बुद्धि में ये ज्ञान हो जाता है सत असत का, जड़ चेतन का, स्व और पर का, तब ये मोह की निवृत्ति होती है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, जब मोह दूर हो जाता है तो शक्ति बचती है, और भ्रम दूर हो जाता है तो हमारा ज्ञान बचता है। जब ये बचते हैं तब हमारा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शक्ति, पूर्ण से हम संबंधित होते हैं, पूर्ण के योगी होते हैं। अभी हम अपूर्ण के संयोगी का होने के कारण अपूर्ण के भोगी हैं, संयोगी नहीं है। संयोग में तो संयोगी योगी नहीं है, संयोग है वहां तक भोग है,
और जहां तक संयोग है वहां तक वियोग है, और जहां संयोग वियोग है यह सत्संग है, जहां निरंतर योग है यह सत्संग है। विचार करें तो ये अज्ञान अपने ही द्वारा हम मिटा सकते हैं। समझ में आ जाए तो, समझ में ना आवे तो बहुत कठिन है। फिर भगवान ही मिल जाए, गुरु महात्मा मिल जाए, खूब उपदेश सुने, लेकिन भ्रम की निवृत्ति तब समझना, मोह की निवृत्ति तब समझना जब संसार में दूसरा कुछ मालूम ही न हो। केवल ज्ञान सत्य है, केवल प्रेम सत्य है। शक्ति सेवा के लिए है, ज्ञान मुक्ति के लिए है, और प्रेम भक्ति के लिए है। तीन वाक्य हैं। ज्ञान वही है जो हम जिससे हम मुक्त हो जाएं, या ज्ञान मुक्त हो जाए। जो मुक्त ज्ञान है, जो मुक्त प्रेम है, मुक्त प्रेम आनंद है, मुक्त ज्ञान मुक्त स्वतंत्रता है, और शक्ति जो सेवा में लग जाए तो ये सेवा में जीवन पुण्य 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 का जीवन है, पुण्य का स्थल है। हम तो शक्ति के भोगी हैं, ज्ञान के भोगी हैं, प्रेम के भोगी हैं, ये भोगी अहंकार है। अहं के आकारों से मुक्ति पा जाना ये आसान बात नहीं है। बरसों कोई चर्चा सुने और कभी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अहं को आकारों से मुक्त कर लेना मोक्ष पा जाना है। मुक्ति गंगा नहाने से मिलती है वो और है, तीर्थों में जाकर के जो मुक्ति मिलती है वो और है, लेकिन वास्तविक मुक्ति संत मत में वो है जहाँ आकार समाप्त हो गए हैं। अहम ज्ञान तो है लेकिन अहम के साथ कुछ नहीं रह गया है, तब ये अनुभव होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अहम जो जीव बन रहा है वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख स्वरूप है। ये बोध ज्ञान है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग पढ़ते हैं, बरसों बीत गए, बुढ़ा जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन इसका इस मंत्र का बोध बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता। बड़ी मुश्किल बात है, आसान है लेकिन हम पता ही नहीं लगाते हैं, हमें इसके प्रति आकर्षण ही नहीं होता। लगता है हमें ज्ञान तो है, रामायण तो पढ़ते हैं, गीता तो पढ़ते हैं, उपदेश तो देते हैं, गुरु तो हैं, हमारे बहुत शिष्य हैं। अहंकार तृप्त है अपने ज्ञान के भोग में, लेकिन अहंकार को अपना ही पता नहीं कि आकार हमारे कहाँ से बन गए। मेरा जहाँ तक मानेंगे तहाँ तक आकार होगा, जब मेरा कुछ न रह जाएगा तब निराकार स्वरूप का बोध होगा। निराकार स्वरूप में कुछ नहीं रहता, आकार रहते ही नहीं। उस निराकार तत्व है वही निर्गुण तत्व है। लेकिन ये शब्द बड़े ऊंचे हैं, बहुत शुद्ध बुद्धि से पकड़ में आते हैं। मुक्ति बहुत सरल है लेकिन मनुष्य चाहता नहीं है। भक्ति बहुत सरल है, मनुष्य चाहता ही नहीं है। मनुष्य जो चाहता है वो संसार का कोई पदार्थ है, दूसरों से मिलने वाला है। दूसरों से मिलेगा वो भक्ति नहीं, जो दूसरों से मिलेगी वो मुक्ति नहीं, जो दूसरों से मिलेगी वो शांति नहीं। जब किसी से कोई आशा न रह जाएगी, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में, ये मुक्ति है, ये शांति है। हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति है, और संसार में अपना कुछ नहीं है, यही मुक्ति है। संसार में अपना कुछ है ही नहीं, देह तक अपनी नहीं, जन्म हुआ है, बढ़ा है, युवा बना है, वृद्ध हो जाएगा, छूट जाएगा। अपना होता तो हम ऐसा करने देते, जिस पर अपना अधिकार नहीं वो अपना नहीं। अपना अधिकार किसमें है, चलो सोचने की बात है। अपना अधिकार किसमें है, जो हमसे कभी न छूटे उस पर अपना अधिकार है, जो हमें कभी न छोड़े, कभी न छोड़े उसका हमारे ऊपर अधिकार है। और ये सत्य है, हमारे ऊपर जिसका अधिकार है वो हमको कभी नहीं छोड़ता, और छोड़ दे तो उसका भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं। तो हम इन दो बातों पर विचार नहीं करते, सदा रहने वाला क्या है, न रहने वाला क्या है, दो ही शब्द हैं। सदा रहने वाले को हम जान लें ज्ञान में, ये दर्शन है। मंदिरों का दर्शन तो आंखों के द्वारा होता है, ये स्वयं का दर्शन ज्ञान के प्रकाश में होता है। ज्ञान के प्रकाश में देखने वाले बहुत कम लोग विवेकी होते हैं। अपने को देख लेना ये दर्शन है, मंदिर जाना ये दर्शन नहीं है, ग्रहण है। कहीं रूप को पकड़ लेते हैं, कहीं शब्द को पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ पकड़ लेते हैं, अनुकूल को पकड़ लेते हैं, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष करते हैं। तो जहाँ राग द्वेष है, राग द्वेष के रहते भक्ति मुक्ति शांति नहीं मिलती। राग द्वेष के रहते संसार से संबंध बना ही रहता है। इसीलिए भगवान का वाक्य है, राग द्वेष भी युक्त है इस विषयान इंद्रिय शरण। इंद्रियों के द्वारा देखो सुनो खाओ पियो, लेकिन राग न प्रेम न होने पावे और प्रतिकूल से द्वेष न होने पावे, इतनी दूर पीछे हट जाओ कि हम अखंड अनंत आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप परमात्मा के हैं। ये बोध जब दृढ़ हो जाता है तब विनाशी से संबंध नहीं रह जाता। विनाशी से संबंध न रहने पर ही बंधनों का
पराधीनता का अंत होता है। विनाशी से संबंध रहते बंधन न छूटेंगे, दुख न छूटेगा। यहां तक कि भगवान के दर्शन हो गए हैं अपने भिन्न, तो भगवान कभी मिलेंगे और कभी न मिलेंगे, कहीं मिलेंगे और कहीं न मिलेंगे, ये भी दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द तो बड़ा गहरा है। मम दर्शन फल, संत का अनुभव है दर्शन। संत किसे मानते हैं? मम दर्शन भगवान कहते हैं, राम से कहा गया है ये। मम दर्शन फल परम अनुपा, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उससे आगे कुछ है ही नहीं। वो क्या है? जी उपा निज सहज स्वरूपा, सहज जो है ही है, कहीं से आना जाना नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी तात्विक बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज, सहज जो है ही है, आना जाना भी नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। दर्शन का फल बताया, दर्शन नहीं, जीव पाव निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंचे, इसके लिए बुद्धियोग की जरूरत है। अभी तो संयोग के भोगी हैं, उसे पार ही नहीं जा पाते। संयोग अपने से भिन्न का होता है, योग तो है ही है। संयोग होगा वो प्रकृति के पदार्थों का होगा, योग तो परमात्मा का निरंतर है, उसकी अनुभूति नहीं होती। इसी में अटके हुए हैं, इसी को पकड़े हुए हैं। दुख की कृपा जब होगी तो हम योग चाहेंगे। अभी तो हमें संयोग ही प्रिय है और संयोग ही चाहते हैं। जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक संयोग प्रिय है। जो संयोग हुआ है, प्रार्थना पूजा हमारी इसलिए है कि बना रहे, और जो नहीं मिला है मिल जाए। और अकल की बात तो देखो, जो मिला है निश्चित छूटता है, और चाहते हैं और मिल जाए। ये मिला है छूट जाएगा, और मिलेगा तो रह जाएगा। जहां तक पाना है और जहां तक छूटना है, ये दर्शन नहीं है, ये तो ग्रहण है। पकड़ लिया है हमने, पकड़े हुए को हम चाहते हैं ये बना रहे। आप लोग सोच के देखो, आप क्या चाहते हो? जो है वो बना रहे, परिवार बना रहे, ये शरीर बना रहे, और हमको शरीर से मिला दिया है, परिवार से मिला दिया है, तो हम जैसे हैं वैसे बने रहे। इसमें परिवर्तन हुई, ज्ञान है, ये दर्शन नहीं है। पकड़ में हम फंसे हुए हैं, मान्यता में फंसे हुए हैं। इसीलिए दुख है, इसी कृपा है कि हम चाहते हैं सुखी रहें, और जहां सुख चाहते हैं उसी के पीछे हम दुखी होते हैं। धन से धन पाकर के सुखी रहें, और धनी के पीछे हमें दुख भोगना पड़ता है। परिवार के संयोग से हम सुखी रहें, उसी संयोग के पीछे हमें दुखी होना पड़ता है। ये दुख हमें बताता है कि हम असत्संगी, असत्संग बिना दुख नहीं, और सत्संग में कहीं दुख नहीं है। सत्संग में दुख है ही नहीं, और असत्संग में दुख का अंत नहीं है। सुख की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्रतीति, प्रतीति उसे कहते हैं जो जैसे कि सर्दी गर्मी हवा पानी प्रतीत होती है, प्राप्त नहीं होती। सुख हम लोगों को बचपन से भोगते बीत गया, प्राप्त नहीं हुआ, प्रतीति हुई। इस शब्द को ज्यादा पकड़ लेना, हम लोग प्रतीति के मोही हैं। जो मालूम पड़ता है, और मालूम पड़ने वाले में जो अच्छा लगता है, हम चाहते ये बना रहे, ये प्रतीति है, ये प्रतीति का भोग है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्त तो है जो कभी अलग नहीं होता, प्राप्त वो है जो कभी छूटता ही नहीं, मिला सो मिला, सदा मिला ही रहेगा, उसको प्राप्त कहते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति का जब प्रश्न है, तब भी अज्ञान में भटकना होता है। परमात्मा निरंतर प्राप्त है, आनंद निरंतर प्राप्त है, शांति निरंतर प्राप्त है। निरंतर प्राप्ति का अनुभव संतों के संग से बुद्धि जब ठीक होती है, तब समझ में आता है। तो ये बात बड़ी याद रखने की है कि इतना जीवन हमारा बीता है कहाँ, जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त को हम प्राप्त मानते हैं, उसी में हमने सदा रहने वाले प्रेम में हमने रख लिया है, सदा रहने वाले ज्ञान में हमने रख लिया है, और उसी की रक्षा में हम शक्ति को लगाए हुए हैं। यह है विपरीत जीवन, यह है असत्संग। असत्संग, सत्संगी को तो कुछ करना होता ही नहीं, उसको चिंता भय का कोई स्थान ही नहीं, वहां आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। सत अखंड है, सत नित्य है, निरंतर है। बुद्धि जिसकी ऐसे सत में स्थिर हो जाती है, वो द्वंद्व के मोह से छूट जाता है, फिर दो नहीं रहते। अखंड सत्य, अनंत सत्य, अखंड आनंद। ऐसी स्थिति जब आ जाए, कब? जब बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब विनाशी को अपना न मान लिए। सबसे बड़ा रोग है, जो नहीं रहेगा वो अपना मालूम होता है, जो मिला है वो अपना मालूम होता है, और जो है उसका पता नहीं है। है का सत्य की बड़ी सरल परिभाषा संत ने एक बताई थी, एक संत ने बताई थी सत्य की सरल परिभाषा, है का नाम सत्य है, नहीं का नाम माया है। इस बात समझ में आती है? जो नहीं, जिसको जहां नहीं कहना पड़ता है, ये माया,
और है, है का कभी अभाव नहीं, वही सत्य जो निरंतर रहेगा, निरंतर है और निरंतर सदा से है, इसका नाम सत्य है। ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब है को जान लेते हैं तो मानो हम सत्संगी हैं। अहंकार सत्संगी है कब, जब है को जान ले। वो नहीं को पकड़े हुए है, मेरा मेरा कह रहा है, उसी में मोह में, लोभ में, अभिमान में ये दोष हैं जो उसको दुख देते हैं। ऐसे दुखों के भोग से जब दुख की कृपा होगी, दुख की कृपा या दुख का अनुभव हम करेंगे, हम तो सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, सुख चाहने वाला दुख से बच नहीं सकता। जब ये ज्ञान होगा कि सुख का चाहना ही हमारा भ्रम है, सुख का चाहना, क्योंकि हम स्वयं रामायण के एक मंत्र अगर रामायण का पकड़ में, चेतना मल सहज सुख राशि, हम सुख ही हैं और सुख चाहते हैं, बस यही भ्रम है। ये भ्रम आसानी से दूर हो जाएगा क्या? आज से दूर हो जाएगा, आदत पड़ी हुई है। घर जाते हो तो सुख के लिए, माता पिता पत्नी से बात करते हो तो सुख के लिए, जो कुछ हम करते हैं सुख के लिए करते हैं। सुख का चाहने वाला असत्संगी है। जो मेरे सभी कुछ हैं, जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, इस दिल से लगाना है, आँखों में छिपाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, कितनी कड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी मुश्किल है, कोई न ठिकाना है। ये दूर की मंजिल है, अग्यार जमाना है। अग्यार माने दुश्मन। ये दूर की मंजिल है, ये संसार ही हमें आकर्षित करता है। सत्य से हम विमुख हो जाते हैं आकर्षण के द्वारा, क्योंकि संसार में हमें प्रिय मालूम होता है, सुखदाता मालूम होता है, इसी भ्रम में सारा जीवन बीत जाता है। यह दूर की मंजिल है, अग्यार जमाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। कांटों की राह चलना, कांटों की राह चलना, दामन भी बचाना है। आशिक को हर जगह पर बस तर्क दिखाना है, त्याग। आशिक को हर जगह पर बस त्याग छिपन दिखाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। मतलब कि ये महफिल है, मतलब कि ये महफिल है, सुनना न सुनाना है। ये जो मेरे सभी कुछ हैं, है कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में, है कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में, उनको भी बजमा जगाना है, खिल करके हंसाना है। उनको भी मिल जाए मुझे मेरे चित छोर कहीं पर भी, जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं, मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं, अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं। ये सब प्रथाएं हम पीटते हैं हिंदू धर्म के नाम पर, लेकिन कोई मुक्त होता तो नहीं दिखाई देता। लोग वैसे ही बना रहेगा, मोह वैसे ही बना रहेगा, अभिमान वैसे ही बना रहेगा, तो मुक्ति उसकी तो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो आप सोचो
इसको कहते हैं स्वाध्याय के बाद संयम। और संयम जब पूरा सध जाएगा, ये हम अंतिम बात कह रहे हैं, जब पूरा संयम सध जाएगा तो आपका ये घरेलू जीवन जो है वहाँ सेवा पूर्ण हो जाएगी, और जहाँ सेवा पूर्ण दृष्टि हो गई मानो भजन पूर्ण हो गया। अंतिम बात सुन लेना, ये माला आप घुमा, माला की संख्या पूरा करने से भजन पूर्ण न होगा, मंदिर में जाने से भजन पूर्ण न होगा। आप जहाँ कहीं रह रहे हैं, सेवा की पूर्णता से भजन पूर्ण होगा। हमारे देश के लाखों साधु बिचारे कहीं धूनी तापते हुए, कहीं गंगा किनारे चलते हुए, कहीं माला जपते हुए, कहीं तिलक और छाप और भभूत लगाते हुए जो कुछ न प्राप्त कर पाएंगे, वो हमारे देश में महात्मा गांधी जो मिस्टर गांधी थे, वो सेवा के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे कि माला पूजा के द्वारा? क्या ख्याल है आपका? जल्दी तो नहीं कर रहे उत्तर देने में? यानी उनका वो राम नाम जैसा कोई भी महात्मा जपता है, वो राम नाम तो उनका चलता ही था, उसमें कमी न थी। राम नाम चलता था, आस्तिकता में कोई कमी नहीं थी, हर समय भगवान पर विश्वास था, संयम था, स्वाध्याय था, अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे, जरा जरा सी बात में अध्ययन करते थे। कस्तूरी बा जरा सा अफ्रीका में कोई उनको मिला और क्या हुआ, अध्ययन करते थे, तुरंत लौटाया, क्या क्या किया। उनकी कथाएं में हम तो पढ़ी नहीं सुनते हैं कभी कभी, तो उनके जीवन में स्वाध्याय भी था, संयम भी था और साधना भी थी। देश में हजारों नेता हैं, लेकिन महात्मा गांधी के समान विनोबा जी ने तो कुछ उस कदमों पर चले, लेकिन दूसरा नेता आज तक नहीं चल पाया, चाहे वो नेहरू जी हों चाहे कोई हो। तो क्या बात थी महात्मा गांधी के जीवन में जो विशेषता थी, वो जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक विशेषता थी साधना की। साधना तो आरंभ में थी, लेकिन अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे। अगर उनको एक कार्ड लिखना है तब भी सोचते थे ये कार्ड किसका है, अगर सरकारी कार्ड है तो मैं लिखने का अधिकार नहीं। इस तरह से वो अध्ययन करते थे अपना स्वाध्याय, और फिर इसके बाद संयम करते थे अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को, मौके मौके पर बड़ा संयम करते थे, और फिर उनका व्रत था सेवा। तो जो पद उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया, उन्होंने देश सेवा की मैं नहीं मानता, उन्होंने देश सेवा के सहारे अपने जीवन का निर्माण किया। कहां तक कर पाए मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाए नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं पथ उनका बहुत सुंदर, वो असल में सेवा के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर पाए। साधन हुआ, क्षेत्र हुआ, ये मानव समाज हुआ या भारत देश, लेकिन जो कुछ किया उन्होंने अपने लिए किया। कहां तक कर पाए और क्या बाकी रह गया है वो भगवान जाने और वो जाने, लेकिन आपसे मैं इशारा करता हूं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें गांधी जी की तरह झंडा लेकर के या चरखा लेकर के और खादी पहनने की कोशिश नहीं करना है। तुम तो जिस क्षेत्र में हो, जिस घरों में हो, जिस परिवार में हो, चाहे बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार हो, वहीं पर ये साधना और स्वाध्याय और फिर संयम, और जहां हो वहीं सेवा को पूर्ण करना है, बस तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। सबसे पहले आपके सांस चलती हुई दिखाई देगी। आपने अभी ये तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, और अभी आप देख रहे हैं कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब कुछ हो रहा है कि नहीं। आपके करे बिना जो कुछ हो रहा है, बस यहीं से प्रश्न शुरू है, ये किसके द्वारा हो रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं फिर सांस चल रही है, मैं धुन नहीं कर रहा हूँ लेकिन कानों से धुन सुनी जा रही है, मैं सुन नहीं रहा हूँ सुनी जा रही है, मेरी कोशिश नहीं कि मैं सुनूं, कानों से शब्द टकरा रहे हैं, मेरा प्रयत्न नहीं है कि मैं नाचिका से गंध सुनूं,
लेकिन अगर सुगंध होगी तो नाशिका से टकरा जाएगी। मेरी ये कोशिश नहीं है कि मैं अपने शरीर की त्वचा से सर्दी गर्मी का स्पर्श करूं, लेकिन ठंडी और गर्म हवा का वेदना आपको प्रतीत होगी कि आप नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। ये ध्यान है, इसको केवल ध्यान से देखते चलिए। त्वचा में स्पर्श की वेदना अपने आप बिना महामारी किए हो रही है। कानों में ध्वनि हमारे सुने बिना सुनाई दे रही है। नाचिका में गंध लिए बिना गंध की प्रतीति हो रही है। अब और शांत होकर के देखिए अब क्या हो रहा है। ये हो रहा है, अंतर नहीं रहे। अब सांस चल रही है, हम चला नहीं रहे, सांस चल रही है। जब आप नहीं कर रहे तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? कोई दूसरा, अभी तो आप करता थे, जहां आप करता नहीं है तहां दूसरा करता। वो करता कहाँ है, कैसा है, आपने पता नहीं लगाया। आप बीच में करता बने थे, आज देखा तो क्या देखा, मेरे किए बिना जाने क्या क्या हो रहा, जो मैं कर नहीं रहा। तो जो मेरे किए बिना ये शरीर में हो रहा है, इसी प्रकार जब मैं बाहर करता बनता हूँ तब भी मैं करता नहीं हूँ, वो भी हो रहा। जैसे मैं चलता हूँ, आप कहते मैं चलता हूँ, नहीं आप नहीं चलते, शरीर चल रहा। जिसके द्वारा ये शब्द सुने जा रहे हैं, जिसके द्वारा ये गंध ली जा रही है, जिसके द्वारा ये सांस चल रही है, जिसके द्वारा धड़कन चल रही है, जिसके द्वारा रक्त की गति चल रही है, जिसके द्वारा किए हुए भोजन का जल का पाचन हो रहा, उसी के द्वारा बाहर चलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, बोलना होता है, लेना होता है, देना होता है। भूल क्या हो गई? भीतर जो हो रहा है उसका हमें पता न था, और बाहर किसी के द्वारा तो हो रहा है, और हम कर्ता बन गए, हम उठ रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा आप यही चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, शरीर उठ रहा है, शरीर बैठ रहा है, हाथ कुछ ले रहे हैं, हाथों के द्वारा लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, लेने देने के पीछे, उठने बैठने के पीछे मन में ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। मन के पीछे कोई स्फुरणा है, कोई संकल्प है, संकल्प का संबंध किससे है? मन से है। मन में संकल्प क्यों उठे? उसका संबंध संग से है। संग कहाँ से शुरू हुआ, कौन संग कर रहा है, किसके द्वारा संग हो रहा है, इसका नाम ध्यान से देखना। आप लोग भगवान का ध्यान करते हो, कृष्ण का ध्यान करते हो, राम का ध्यान करते हो, लेकिन आज तक बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ध्यान से उसे देखा हो जिसके द्वारा ये सब कुछ होता है। बीच में कर्ता बने हैं, भोक्ता बने हैं, और ये भी पता नहीं कि ये कर्ता बने का अंत हुए बिना भोक्ता का अंत होगा, और भोक्ता का अंत हुए बिना बुद्धि स्थिर न होगी, स्थिर बुद्धि हुए बिना जो बुद्धि के पीछे है उसका दर्शन नहीं है। इसलिए भटकते भटकते करते करते कितने जन्म बीत गए, और ये भी पता नहीं लगा रहे हैं जो आज बताया जा रहा है। ये पता है, यही गुरु संदेश है, यही गुरु निर्देश है, यही गुरु आदेश है, यही गुरु उपदेश है, जिसको आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, मान लिए हैं, उस मान्यता के अनुसार आप जाने क्या क्या कर रहे हैं। कर्ता अहंकार है, अहंकार कहता है मैं जप कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। इस समय भी आप सोचेंगे कि मैं ध्यान कर रहा, ध्यान नहीं कर रहे। इस समय जो ध्यान की शक्ति परमात्मा के विधान से आपको मिली है, उस ध्यान के द्वारा आप केवल देखते चले जा रहे हैं। इस समय आप दृष्टा जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। अगर यही ध्यान टिकाऊ हो जाए, यही ध्यान स्थिर हो जाए, यही ध्यान निरंतर रहने लग जाए, बस यही है वो साधना जिससे दर्शन का द्वार खुलता है, यही वो साधना जहाँ दुखों का अंत होता है, अशांति का अंत होता है, भय का अंत होता है, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं इस ध्यान से देखने पर। ये ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, ये ध्यान कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और असलियत तो ये है कि निरंतर कर सकते हैं। निरंतर कब करेंगे? जब संकल्प होगा। संकल्प न होगा
विश्वास के द्वारा ये जो होना चाहिए वो नहीं है। मैं शब्द गलत बोल गया, मैं कह गया ध्यान कर सकते हैं, ये गलत बोल गया। आप ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान है ही, केवल ध्यान से देख सकते हैं, देख सकते हैं जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। बहुत गंभीर बात आगे की है जो केवल सूक्ष्म बुद्धि वाले ही पकड़ पाएंगे। कर ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान से देखना होता, ध्यान से देख सकते हैं ऐसा भी मैं न कहूँगा, ध्यान से देखना होता। क्यों ध्यान है, अध्यान के आगे देखने योग्य कुछ है? आप हैं, आप हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान न करेंगे, ध्यान की शक्ति अध्ययन के लिए आपके सामने दृश्य, आप केवल सजग होकर के सावधान होकर के जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। और देखते देखते अंतिम प्रश्न है कि मैं देखने वाला कौन हूँ, बस ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को जो कोई हल कर ले तब रामायण की वो चौपाई जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, सो जाने यही देव जनाई। तो सो जाने जिसे आप जनाते हैं तो जना तो रहे हैं वे, ये उन्हीं के शब्दों को दोहराया जा रहा है जो आप सुन रहे हैं, ये गुरुवार के। अब आप जनाना जनाया जा रहा है, अब वो जना रहे हैं, आप जानिए। और जानते जानते जब जानेंगे कैसे, जब ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना होगा, ध्यान से जहाँ देखना होगा, देखते देखते आप दृष्टा बनेंगे परमात्मा की सत्ता में, परमात्मा की चेतना में अपने अस्तित्व का पता चलेगा। अस्तित्व में ठहर करके आप उस द्वार में पहुँचेंगे जहाँ दर्शन होता है जिसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बुद्धि मौन हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। उस शांत चित्त स्थिर चित्त में, स्थिर चित्त में विलीन हुए मन में, स्थिर हुई बुद्धि में जो शेष रह जाएगा वही परमात्मा है, वही सर्वात्मा है, वही अखंड आत्मा है, वही आनंद आत्मा है, वही विभु आत्मा है, वही सर्वमय है, वही सर्वमय है, सर्वातीत है। ऐसे अनुभूत अनुभूति मात्र रह जाएगी, साधना हुई। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर यह साधना, इस संतमत की साधना, सनातन काल से चली हुई साधकों के लिए साधना, सब कुछ किया हम लोगों ने। जप किया बहुत अच्छे, कीर्तन किया बहुत अच्छे, ध्यान किया बहुत अच्छे, लाखों से अच्छे। पर वो परमात्मा जानता है ये साधक मेरा ध्यान करने बैठा है, ये साधक मेरा नाम जप रहा है, ये साधक मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, ये साधक मेरी अस्तित्व और प्रार्थना कर रहा है। वो जानता है भगवान, हम ऐसा उसके नाम पर जो कुछ भी हम कुछ करते हैं उसे सब पता है। तब वो करुणित होता है, करुणित करुणा करके वो जानता है कि कर तो रहा है लेकिन ये करता अहंकार अपने को नहीं देख पा रहा है। ये करता अहंकार मानता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मानता है कि मैं अर्चन कर रहा हूँ, मानता है मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो परमात्मा जानता है कि इसको पता नहीं कि अपनी अहंकार रूप में अपनी पूजा कर रहा है। ये अपनी अस्तित्व चाहता है, ये अपनी अपना लाभ चाहता है, ये अपनी सीमा के भीतर अपने को संतुष्ट करना चाहता है। इसे तो मेरा पता ही नहीं, और मेरा पता कैसे होगा जब इसको अपना ही पता है। इसलिए वो कर्मित होकर के ऐसे अवसर सुलभ कर देता है जो अवसर हम सब लोगों को सुलभ है। और इस अवसर में हम उस केंद्र में, उस सत्य में, सत्य के द्वार में शांत होकर के इस अवसर का सदुपयोग करते हुए जो जानना चाहिए उसे जान सकते हैं, जो मानना चाहिए उसे मान सकते हैं, और जो करना चाहिए, जो करना चाहिए क्या करना चाहिए तो अंत तक ही पता चलेगा। सचमुच परमात्मा के लिए हमें कुछ न करना चाहिए, उस कुछ न करने की स्थिति में ध्यान योग द्वारा हम पहुंच सकते हैं। नई रचित करो मीत युक्तो मन नहीं तो तत्वित, परम गुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं। जो तत्व में स्थिर हो जाती है जिसकी बुद्धि, शांत हो जाता है जिसका मन, तो नई विकिंचित करो नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ हो रहा है, ऐसा उसको ध्यान से दिखता है। ये चर्चा आपने सुनी। अब कुछ देर आप ऐसे ही शांत हो जाएं, कानों से जो शब्द सुनाई पड़े तो जहाँ शब्द हो रहा है वहाँ ना जाएं, जहाँ से शब्द पकड़ा जा रहा है यहाँ ठहरे। ये कौन शब्द, कहाँ से शब्द पकड़े जा रहे हैं, कहाँ से गंध पकड़ी जा रही है, कहाँ से स्पर्श पकड़ा जा रहा है, बाहर न जाएं, इस ढांचे में ही ठहर जाएं। और ये शब्द तुम्हारे जो बाहर ले गया था वही भीतर का रास्ता हो जाएगा। जो गंध तुम्हें बाहर ले जाए गई थी, काहे की गंध है, गुलाब की कि गेंदे की कि चमेली की, वो गंध आपको भीतर ले जाएगी।
ये गंध वहां ले जाएगी जिसके द्वारा ये गंध पकड़ी जा रही है, ये शब्द उधर ले जाएगा जिसके द्वारा ये शब्द पकड़ा जा रहा है, ये स्पर्श उधर ले जाएगा जिसके द्वारा स्पर्श की वेदना स्वीकार पकड़ी जा रही है। अंत में आप उस केंद्र में पहुंचेंगे जिसमें सारी परिधियां सारे चक्कर सब कुछ घूम रहा है, जिसमें उस केंद्र में आप पहुंचेंगे इस ध्यान योग के द्वारा, तो आप कुछ देर शांत रहें, मौन रहें। आपने अयोध्या से मनोयोग शुरू किया, वृंदावन से मनोयोग शुरू किया, लेकिन बंगला वाले वृंदावन वाले भगवान कहते हैं, अयोध्या वाले भगवान कहते हैं अयम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता शयास्थिता, मैं सत्य हृदय में स्थित हूँ, ये वो अपना पता बता रहे हैं। क्यों दौड़े जाओ अयोध्या, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, क्यों दौड़े जाओ वृंदावन, यहाँ से बहुत दूर है। वो जो पता बता रहे हैं वृंदावन वाले, पता बता रहे हैं अयोध्या वाले, वो तो यहीं पर है, यहीं पर वो बता रहे हैं मैं अहम आत्मा, मैं आत्मा के रूप में सर्वभूतों के हृदय में निवासी हूँ। हृदय और हृदय में, बस इन दो बातों का पता लगाना है, हृदय क्या है हृदय में क्या है, बस ये ध्यान योग के द्वारा ही पता चलेगा। थोड़ी देर आप शांत और मौन और दृष्टा बन करके जो कुछ भीतर हो रहा है उसे देखें। जब करने वाले आदत हो तो जब करते रहें, लेकिन कर्ता न बने, कर्ता वहाँ न बने कि मैं जब कर रहा हूँ, एक आदत पड़ गई है नाम भीतर से विस्फरित हो रहा है, ऐसे भाव से उसके भी दृष्टा बने, आदत पड़ गई। अगर मैंने आदत ये मेरी आदत न पड़ी होती तो मैं राम नाम न ले सकता था, कृष्ण नाम न ले सकता था, मंत्र न जप सकता था। किसी की खुदा कहने की आदत है वो खुदा कहेगा, राम कहने की आदत है राम कहेगा, अपने आप न राम न कुछ निकलेगा, ना अपने आप खुदा निकलेगा, ना अपने आप कृष्ण निकलेगा। तुम जिसकी आदत डाल लोगे उसी का अभ्यास होगा, इसलिए सत्य कुछ और है, यथार्थ कुछ और है, तुम्हारी कल्पना कुछ और है, तुम्हारी मान्यता कुछ और है, तुम्हारी शिष्य कुछ और है। इसलिए शांत होकर के थोड़ी देर देखो क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और देखने वाला मैं कौन हूँ, तीन प्रश्न, क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और देखने वाला मैं कौन हूँ, तीन प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। सत्संग की ये कसौटी नहीं है तुम्हारे जीवन में भगवान कभी वियोग न होने देंगे, ये कसौटी नहीं, सत्संगी का सत्संग का ये फल नहीं है तुम्हारे जीवन में कभी हानि ना आएगी, ये कसौटी नहीं, सत्संग की कसौटी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी बुढ़ापा ना आएगा मृत्यु ना आएगी, ये कसौटी नहीं। बुढ़ापा निश्चित है, वियोग निश्चित है, हानि निश्चित है, जवानी का जाना निश्चित है, मृत्यु का संबंध विच्छेद निश्चित है। भगवान राम आएंगे कृष्ण आएंगे वो भी प्रकट होंगे और अंतर्धान हो जाएंगे निश्चित है। किसको रख पाए, कृष्ण को अपने सामने रख पाए, राम को अपने सामने रख पाए, नहीं रख पाए, प्राकृतिक विधान भगवान का विधान सब निश्चित है। वाह वाह कौन कहेगा, जो सत्संगी है सत का संगी है, सत किसे कहते हैं, जिसका कभी अभाव होता ही, जिसका कभी अभाव होता ही, जो कभी अनुपस्थित होता ही नहीं, जिससे कभी दूरी होती ही नहीं, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं, ऐसा सत, ऐसे सत का जो संगी है, कुछ भी जा रहा है वही जो जाने वाला था, छूट रहा है वही जो छूटने वाला था, बदल रहा है वही जो बदलने वाला था, लेकिन सत परमात्मा वो छूटने वाला है नहीं, बदलने वाला है नहीं, आने जाने का नियम वहाँ है नहीं, ऐसे सत का जो संग करता है, जब वो जाएगा जाएगा जाते हुए देखेगा, ऐसे तो वाह वाह न करेगा लेकिन उस समय वाह वाह करेगा। अब जरा सोच लेना किस बल पर करेगा, किस ताकत से करेगा वाह वाह। मैं शायद आज के बाद आपको कभी न मिलूं, लेकिन आपके जीवन का सत्य आपके सामने हमेशा रह सकता है। अगर इसको विस्मरण न होने दो तो तुम कभी भी वाह वाह कह सकते हो, लेकिन विस्मरण हो गया तो राम भी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, कृष्ण भी तुम्हारे सामने आ जाएं, तुम्हारी हाय हाय वंदन होगी और कृष्ण राम की मूर्ति तुम्हारे सामने न हो और तुम वाह वाह कह सकते हो सत्संग के बल पर। अब जरा सोच लेना, बड़ी अच्छी युक्ति जो मुझे मिली है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। किस बल पर तुम वाह वाह कह सकोगे, किस ताकत पर कह सकोगे। छोड़ो, विवेक कहता है जो मुझे मिला है प्रभु तुम्हारा है, तुम्हारे विधान से मिला है, जो कुछ मिला है सब तुम्हारा। अब ये वाह वाह क्यों कहोगे, वियोग हो रहा है वाह वाह, हाँ क्यों, ये जो मिला है मेरा नहीं था और इतने दिन तक मुझे मिल गया, वाह वाह इतने दिन तक मिल गया, न मिलता तो क्या कर लेता, पहले ही छूट जाता तो क्या कर लेता, कर लेते कुछ। किसी के ऐसी दो घटनाएं मेरे सामने ऐसी हैं, कन्नौज से एक बारात चली, विवाह हो चुका था, स्टेशन आते हैं, स्टेशन में आकर के गाड़ी आई, सब चढ़ रहे हैं, जो वर था
दूल्हा था, वो अपने परिवार वालों को गाड़ी में बिठा रहा था। नौजवान आदमी सोचता था मैं तो बैठ जाऊंगा, सब बैठ जाएं, प्रबंधक था। सब बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी, चलती गाड़ी में पीछे चढ़ा, हाथ रपटा, रेल के नीचे चला गया, कट गया। अभी घर बड़े बहू नहीं पहुंची, ये इसी सी घटना। एक ये घटना है कि बहू अभी बहू और वर घर नहीं पहुंचते और संबंध हुआ और संबंध टूट गया। ऐसी और भी घटनाएं हैं, आप लोगों को भी कहीं कहीं दिखाई सुनाई पड़ती होंगी। लेकिन आप लोगों का जो संयोग इतने इतने दिन रह गया है, ये तुम्हारी बदौलत रह गया, विधान है। न रहता तो क्या कर लेते, न रहता तो क्या कर लेते। तुम अमीर हो और तुम्हारा अमीरी के बाद धन जा रहा है, और यहां नाली साफ करने वाले गरीब, नाली साफ करने वाले गरीब बेचारे ये लखपति बनेंगे। तुम्हारे पास तो उनकी अपेक्षा बहुत संपत्ति है, न होती तो तुम क्या कर लेते। इतने दिन संपत्ति रह गई, वाह वाह। इतने दिन संयोग रह गया, वाह वाह। अरे मेरा क्या, मेरी क्या हस्ती थी, इतना मान मिल गया, वाह वाह। अब अपमान हो रहा है, होने दो, मिल गया वो बहुत है। सच सच बताओ, तुम जब तुम्हारे पास का जाता है तो तुम्हें जाने वाला दिखता है कि रहने वाला, क्या ख्याल है? जाने वाला दिखता है और रहने वाला अब भी नहीं दिखता। चार पुत्र हैं एक पिता के, एक पुत्र 20 बरस का नहीं रह गया है, हाय हाय, लुट गया लुट गया। अभी तीन पुत्र बाकी हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते, एक पुत्र जाने वाला दिखाई पड़ता। ये सत्संगी कौन शोक से बच पाएगा जो सत्संग का आश्रय लेगा। वरना आप लोग चाहे जितने व्याख्यान सुनो, आप चाहे इतने गीता के पाठ करो, कितने ही रामायण के पाठ करो, अगर रामायण की बात नहीं स्वीकार करते हो, गीता के मंत्रों का अर्थ अपने भीतर धारण नहीं कर सकते हो, भागवत के महामंत्रों को यदि अपने जीवन में नहीं लेते हो, तो तुम्हारा ये पाठ तुम्हें मुक्त बना पाएंगे दुखों से? पाठ इस सप्ताह के श्रवण से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, स्वतंत्रता पूर्वक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं हम लोग कि भागवत सप्ताह के आधार पर जो हमें चरित्र दिखाए जा रहे हैं, जो हमें घटनाएं बताई जा रही हैं, उनके द्वारा दो ही काम हो जाएं, परमात्मा में पूर्ण प्रेम पूर्वक अनुरक्ति और संसार से विरक्ति, अनासक्ति। बस कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, प्रेम को उधर से इलट पलट देना। क्या मेहनत पड़ेगी, कितनी धड़कन बढ़ेगी, कितनी यात्रा करनी पड़ेगी। प्रेम को उधर से इधर पलट दो, विनाशी के प्रेम को अविनाशी की तरफ मोड़ दो। यही विनाशी और यही अविनाशी, देह विनाशी चेतन अविनाशी, क्या घाटा है भैया आपका, क्या घाटा पड़ेगा? देह विनाशी ये तुम बढ़ा नहीं रहे हो, बढ़ रही है, तुम घटा नहीं रहे हो, घट रही है, मृत्यु को बुला नहीं रहे हो, आ रही है, जीवन ला नहीं रहे हो, सरक रहा है। ऐसा दर्शन जो करता है वो सत्संगी। लेकिन वाहरी मूढ़ता, क्या हम तारीफ करें मूर्खता की? मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचि सम। सुन रहे हो ना, कोई रकम खर्च करनी पड़ रही है, कोई बड़ी मेहनत पड़ रही है, आपकी बात आपको बताई जा रही है। अगर इसको स्वीकार कर लो तो आपका कोई घाटा होगा? इसको दृढ़ता से पकड़ लो जैसे गालियां पकड़ चुके हो, भाई भाई गाली लड़ पड़े, सास बहू लड़ पड़ी, बहू से तीन शब्द बड़े कड़े निकल गए, सास ने बहू को डांट दिया, 12 बरस हो गए नहीं भूलते हैं, ये हमें कहा था, ये कहा था, और सत्संग अभी अपने को अपने अपने स्थान में जाते जाते भूल जाएगा। इतना याद रहेगा बाबा ने बड़ी अच्छी बातें कही, बस खत्म। बड़ी अच्छी बातें कही, बड़ी अच्छी कथा सुनी, बड़ी अच्छी व्याख्या सुनी, घंटों चिल्लाते चिल्लाते व्यास थक जाए, समझाने वाले गुरु लोग थक जाएं, आपका एक शब्द में बस पुरस्कार दे दिया, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छा प्रवचन, बस तुम रह गए जैसे के तैसे, क्या भला होगा। इसीलिए कहते हैं कोई महात्मा आपको मुक्त न कर पाएगा, कोई गुरु आपको मुक्त न कर पाएगा, तुम मुक्त हो सकते हो। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन भगवान ही नहीं कह सकते मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अर्जुन सुनो सुनो, सावधान होकर के सुनो, बड़े कड़े शब्दों में डांट देते हैं। पहले तो बड़ी सरलता पूर्वक कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, अर्जुन तुम्हारा चित्त जाने कहां कहां लगा हुआ है, धन में लगा है, तन में लगा है, परिवार में लगा है, अधिकार में लगा है, जमीन भूमि भवन में लगा है, जाने कहां तुम्हारा चित्त लगा है, एक वाक में विनाशी में लगा है। अरे मुझे विनाशी में अपना चित्त लगा दो, क्या घाटा, चित्त भी तुम्हारा नहीं है,
चित्त भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन अपना मान करके तुमने वहां चित्त लगाया है जिसको अपना माना है। चित्त कहां लगाते हो? पहले तो चित्त मेरा लगाओगे कहां? जो मेरा, मेरा चित्त कहां लगेगा? जो मेरा है। आपका मेरा क्या है? बस इतना मेरा है जो आपने माता पिता ने बता दिया है। भगवान ने जो बताया है वो मेरा नहीं लगता। गीता में भगवान बताते हैं तुम्हारा क्या है, तुम किसके हो, वो नहीं याद रहता। लेकिन माता पिता ने जो बताया है, बेटा ये तुम्हारी इतनी जमीन है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा इतना धन है, तुम्हारी ये जायदाद है, माता पिता ने जो बता दिया है कि बेटा ये तुम्हारा, उसमें तुम्हारा चित्त लगा है कि नहीं, चिंतन हो रहा है कि नहीं। और भगवान ने जो बताया है तुम्हारा क्या है, ये जगत तुम्हारा है, ये तन तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये धन तुम्हारा है। भगवान कहते हैं संसार की वस्तु नश्वर, क्षण क्षण बदलने वाली, सब छूट जाएगी, तुम्हारा तो मैं हूं, तुम्हारा मैं हूं, मम इवांशो जीवलोके, सनातन अंश हो मेरे, कभी हमारा तुम्हारा संबंध छूटेगा ही नहीं, छूटा ही नहीं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। नहीं सुना हो तो आज सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो सोते समय की, जाग करके सुन रहे हो कि सपने में? जाग करके सुन रहे हो, ठीक बात। जाग करके जो सुना है वो अभी तक भूला? बाल्यकाल में जो सुना था जागे हुए सुना था कि सपने में? जागे हुए, वो अभी तक भूला? नहीं भूला। और भगवान ने जो कहा वो याद रहा? जिस दिन याद रहेगी उस दिन वाह वाह। कहाँ? वियोग के समय वाह वाह, हान के समय में वाह वाह, मृत्यु के समय में वाह वाह। क्या याद आएगा? जाने वाला नहीं, रहने वाला। जाने वाला वो है जिसको जाना है, रहने वाला वो है जो परमात्मा है। एक शब्द में फैसला, रहने वाला परमात्मा, जाने वाला जगत। जगत की वस्तु जाने वाली है। बड़ी खुशी मनाओ, मिल गई इतने दिन, यही कहां से कम, यही कहां से कम। एक मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, तीन महात्मा थे एक गुरु के शिष्य, और वो जहां जाते थे उनकी एक साधना थी, बड़ी विचित्र साधना थी। मैंने कहानी कथा पढ़ी थी कहीं, वो साधना थी कि वो जहां जाते थे बड़े मस्त हंसते रहते, सड़क में खड़े हो जाएं हंस रहे, उनको हंसते देख करके जो कोई देखता था खड़ा हो जाता था, जब खड़ा हो जाता था तो और जोर से हंसते थे, जब वो हंसते थे तो खड़े होने वालों को भी हंसी आ जाती थी, हंसी ही हंसी चलती थी। बीच में जब कोई पूछता था कि बाबा तुम ये तो बताओ हंस कह रहे हो, हंसते हंसते पूछता था तुम हंस कह रहे हो, तो वो पूछता था कभी तुम रोए भी हो तो तुम बता दो तुम रोए क्यों हो, रोए क्यों हो? अगर हमसे पूछते हो हंस क्यों रहे हो तो तुम बताओ तुम कभी रोए हो? अगर कोई कह देता था हाँ तो पूछता तुम रोए क्यों हो, तो रोए तब है जब हमें दुख हुआ है, तो पूछता दुख कब हुआ है, जब हमारा कुछ छिन गया है, छिन गया है, तो तुम्हारा छिन क्या गया है? हमारा छिन गया है कभी खिलौना, हमारी छिन गई है कहीं डिग्री, हमारे छिन गया है कहीं धन, हमारा छिन गया है कहीं सम्मान, हमारी छिन गई है कहीं कीर्ति, हमारी छिन गई है कहीं संबंधी, वहां वहां हम रोए हैं। तो वो कहता था तुम्हारे छिन गए हैं, तुम्हारे छिन गए हैं, होश में आकर के बोल रहे हो तुम, छिन तुम्हारा छिन गया है इसलिए तुम रोए हो, और हमें निरंतर मिला है तुम हंस रहे, निरंतर मिला है, निरंतर क्यों ना हंसे तुम, तुम्हारे तुम अभागी रो कि हमारा छिन गया, और हम महापूर्णवान, हमें तो मिला है मिला है मिला है, क्षण क्षण हम याद करते हैं किसकी जो मिला है, और तुम किसकी याद करते हो जो जा रहा है। सोचो जिससे सब कुछ मिलता भगवान उसे ही कहते हैं, भगवान से कहते हैं सब, उसमें सब जो सब में परिपूर्ण महान दोष
जीवन श्रीमान से लेकर के लेना